हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम हो गया है, कोई वीडियो नहीं डाली। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी। मैं कुछ बॉन्डिंग सेशन कर रही हूँ अपने बनीज़ के साथ, और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग न्यूटर्ड और स्पेड क्या है वो नहीं जानते हैं। आप इसको डीसेक्सिंग भी कह सकते हैं, फिक्सिंग ऑफ द बनीज़ भी कह सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप गूगल कीजिए इन दोनों चीज़ों के बारे में। न्यूटर जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं मेल रैबिट के लिए, और स्पे हम यूज़ करते हैं फीमेल रैबिट की सर्जरी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो में एक ब्रीफ कर देती हूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं और हमें क्यों ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों की। अपने बनीज़ को न्यूटर और स्पे करने की किस लिए हमें नीड है, मैं वो आपको ब्रीफ कर देती हूँ। बाकी प्री और पोस्ट ऑपरेशन केयर जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। जो सबसे पहला रीज़न है और सबसे मेजर रीज़न है वो है हेल्थ इश्यूज़। फीमेल रैबिट को 50-80% चांसेस यूट्रिन कैंसर के हो जाते हैं अगर वो स्पेड नहीं है, और मेल को टेस्टिकल कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेल के चांसेस कैंसर होने के और हेल्थ इश्यूज़ होने के फीमेल के कंपैरिजन में कम होते हैं। बट फिर भी एक अच्छी हेल्थ के लिए मैं सबको प्रेफर करती हूँ कि आप अपने बनीज़ को न्यूटर और स्पेड जरूर करवाएँ। मगर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रैबिट सेवी वेट्स जो डॉक्टर्स जो एनिमल डॉक्टर्स हैं वो रैबिट्स के लिए स्पेशल होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द डॉक्टर्स और मोस्ट ऑफ़ द वेट्स जो हैं वो डॉग और कैट की सर्जरी में एक्सपर्ट होते हैं बट रैबिट की सर्जरी के लिए नहीं। तो आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब भी आप कोई रैबिट सेवी वेट देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने बनीज़ के लिए। तो पहले मैं आपको न्यूटर और स्पे का जो आपको बेनिफिट बता रही हूँ वो हुआ हेल्थ बेनिफिट। दूसरा, आप इससे ब्रीडिंग कंट्रोल करवा सकते हैं, लाइक जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। आपको पता होगा कि एक फीमेल रैबिट अगर एक मेल रैबिट के साथ आप रखते हैं तो वो 1 month में 5 to 10 किड्स बच्चे दे सकती है, और वो मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब एक टाइम में 2 प्रेगनेंसी भी रख सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप 2 रैबिट रखते हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी था, आप अगर गूगल करेंगे तो माइट भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास 2 रैबिट हैं तो वो 2 महीने में आपके पास कितने रैबिट हो जाएंगे। और फिर वही बच्चे जब 3 या 4 महीने में, यानी कि एट द एज ऑफ लाइक 3 or 4 months जो इनकी हम लोग एडल्ट एज बोलते हैं रैबिट्स में, तब होंगे, तब वो दोबारा से ब्रीड करेंगे, और मतलब 1 साल के अंदर आपके पास इतने ज़्यादा रैबिट हो जाएंगे, मोर देन 300-400। तो अभी वैसे भी रैबिट्स इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं जो शेल्टर्स में है कहीं, और कई लोगों के पास लोग उनको अडॉप्ट करवाना चाहते हैं। एक्चुअली हर कोई अपने घर में बेबी बनीज लाना पसंद करता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। नो डाउट क्यूट ही हमेशा लगते हैं, बट कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि जब ही छोटे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं, और जैसे ही इनके हारमोन्स रीच करते हैं लाइक 3 months की एज और मोर देन 3 months, तो कई लोग इन्हें अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि ये इनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ये इनका नेचुरल बिहेव नहीं है। और जिनके पास मल्टीपल बनीज होते हैं, अगर वो मेल और फीमेल रख रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत ज़्यादा ब्रीड करेंगे कि आपसे वो संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप अगर मेल और फीमेल जो सबसे आइडियल हम लोग पेयर बोलते हैं वो रखना पसंद करेंगे, वो पेट रैबिट हैं आपके पास, तो आप उनको ज़रूर न्यूटर्ड करवाएँ, स्पेड करवाएँ। स्पेड इन्वेसिव सर्जरी है, न्यूटर जो मेल की सर्जरी है वो थोड़ी सी लेस इन्वेसिव है। तो इसलिए इंडिया में पहले आपको रैबिट से भी वेट ढूंढना पड़ेगा, और स्पेड के लिए अगर आप थोड़ा टेंशन में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मेल हैं जो तीनों न्यूटर हैं, तो मैं स्पेड के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। बट मुझे इतना आइडिया है, जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग स्पेड जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वो दोनों बॉन्डेड हैं तो आप मेल को न्यूटर्ड करवा दें। बट जो मैंने वो चीज़ आपको बताई है कि फीमेल में हेल्थ इश्यूज़ होने के रिस्क ज़्यादा हैं, और वो भी सच है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, कोई ऐसा रैबिट सेवी वेट ढूंढना पड़ेगा। इससे सिर्फ यही अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह ही सही कंट्रोल होती, पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है कई बनीज़ में, कईयों में नहीं भी होती हैं।
जब लाइक ये कई बार हम्प करते हैं, आपने देखा होगा जो आपके मेल बनीज हैं आपके हाथ पे या आपके लेग्स पे हम्प करते हैं, कई निप करते हैं, ग्रॉन्ड करते हैं, टेरिटरी मार्क करते हैं, कई बनी स्प्रे करते हैं यूरिन अपना लाइक टॉयलेट वो स्प्रे करते हैं और हर जगह पू करते हैं, ये सब चीज़ें। और वो सबसे मेन चीज़ कि वो अपनी लिटर बॉक्स की जो हैबिट होती है लाइक पॉटी ट्रेनिंग होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है अगर वो न्यूटर्ड है तो, प्लस ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। फीमेल्स में एक सिम्टम होता है जिसको हम लोग फॉल्स प्रेगनेंसी बोलते हैं। फीमेल्स के में फॉल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, उसमें वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है। तो फीमेल्स के बारे में मैं शायद आपसे बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास मेल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मैं मेल्स के बारे में आपसे बात करूँगी। और मेल्स की सर्जरी जैसा मैंने आपको बताया कि लेस इन्वेसिव है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कम है, तो वो आप उसके लिए रैबिट से भी वेट ईजिली ढूंढ सकते हैं इंडिया में भी। और अगर आपके पास दो मेल हैं या मल्टीपल रैबिट्स हैं तब भी आपके लिए सर्जरी करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रैबिट सोशल एनिमल तो है ही है बट साथ में उनमें टेरिटरी का इशू बहुत ज़्यादा है। अगर हम मल्टीपल रैबिट साथ में रखते हैं और वो न्यूटर्ड नहीं है तो वो फाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं टिल डेथ, मतलब एक दूसरे को मारने तक का झगड़ा वो करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। तो विदाउट न्यूटर्ड तो आप सोच भी नहीं सकते दो रैबिट्स को बॉन्ड करना या दो रैबिट्स को एक साथ रखना। और एक पॉइंट और, जैसे कि कई रैबिट्स हैं वो जितना उनको खाना चाहिए है जो इनका मेन फूड है, जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि रैबिट का मेन फूड है, अगर वो बहुत अच्छे से नहीं खाते हैं तो न्यूटर्ड के बाद आप ये भी एक फील करेंगे चेंजेस कि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, डाइट इम्प्रूव हो जाएगी, जो अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो नहीं होंगे और मल्टीपल रैबिट्स रखने में आपको इजी होगा। और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं लाइक स्प्रे करना, उनकी लिटर बॉक्स की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें भी आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको न्यूटर्ड और स्पेड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, बट इसका प्री और पोस्ट केयर हम कैसे करेंगे, यानी कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखकर डॉक्टर के पास जाना है, वेट के पास जाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आपको दो तीन पॉइंट्स रखने हैं माइंड में, वो सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास क्वेरी है या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, कमेंट में कमेंट ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।